सो हाई गाइज वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइज दिस इज बॉय अजय बैक विद अनदर वीडियो गाइज जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो गाइज आज जो मैं जॉब वैकेंसी लेके आया हूँ ये कोई सरकारी नहीं है ठीक है ये है प्राइवेट जॉब और जॉब सबसे पहले आपको बता दू आपने इस कंपनी का नाम तो सोना ही होगा स्विगी स्विगी एक ऐसा e एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से अगर आपको भूख लग रही है अगर आपको लंच करना है आपको ब्रेकफास्ट करना है या आपको पार्टी करनी है आपके घर पे काफी सारे फ्रेंड्स आ रखे आपको पार्टी करनी है तो आप सिंपल अपना मोबाइल उठाओगे जो आपको खाना है वो सिलेक्ट करोगे इस स्विगी ऐप से एंड उसको अपना एड्रेस भर के अपने घर का एड्रेस भर के वो आपको उनका डिलीवरी बॉय आपको खाना दे जाएगा तो कैसे सिम्पली एक कह सकते काइंड ऑफ अ कैटरिंग ऐप है ठीक है जहां पे आपको खाना वगैरह मिलता है ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो जॉब वैकेंसी निकली है उस पोस्ट का नाम रहेगा कस्टमर सर्विस ठीक है ग्राहक सेवा प्रतिनिधि आपने कभी भी किसी को भी अगर कॉल किया है सपोज कीजिए आपकी कोई एयरटेल की सिम है या कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है किसी भी कंपनी के रिलेटेड तो आप उनके ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को फोन करते हो है ना कस्टमर सपोर्ट को फोन करते हो तो जब वो फोन उठाता है या फिर आप कभी कभी क्या करते हो कि चैट के थ्रू यानी कि आप मैसेज के थ्रू उनसे बात करते हो तो जो वहाँ पे मैसेज या जो फोन रिसीव करता है तो उसका वो होते हैं कस्टमर सपोर्ट एजेंट जो आपको हेल्प करते हैं आपकी दिक्कतों को लेके ठीक है तो उसकी वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों ठीक है तो स्विगी में वैकेंसी निकली है दोस्तों ठीक है एंड सबसे पहले आपको बताऊंगा इसकी सैलरी क्या रहने वाली है और जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ की सैलरी जो रहने वाली है उसके दो स्लैब्स है एक लाख से लेके चार लाख के बीच में अगर आप फ्रेशर हो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों तो आपको एक लाख से एक, एक लाख से लेके लगभग दो से ढाई लाख के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी मैं बात कर रहा हूँ पर एन की यानी कि पूरे सालाना की सैलरी की बात कर रहा हूँ ठीक है ढाई लाख सैलरी मिलेगी सालाना तो इसका मतलब ये होता है आपकी जो आपको इन हैंड सैलरी यानी कि जो आपके हाथ पे जो सैलरी आएगी वो आएगी लगभग सत्रह हजार के आसपास सोलह से सत्रह हजार के आसपास आपको सैलरी आ जाएगी ठीक है और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो यानी कि आपने पहले से ही इस फील्ड में काम कर रखा है कस्टमर सपोर्ट में आप काम कर चुके हो दोस्तों तो आपको ढाई से चार लाख के बीच में सैलरी मिल सकती है ठीक है है जो इन्होंने डिटेल्स मेंशन कर रखी दोस्तों दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सिंपली ट्वेल्थ पास फ्रेशर कैन अप्लाई यानी कि अगर आपने सिर्फ बारहवीं पास कर ली है किसी भी बोर्ड से कितने परसेंटेज आपके मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो और दोस्तों ये जो सपोर्ट रहने वाला ये रहेगा चैट का एंड वॉइस का यानी कि आपको कस्टमर्स को चैट के द्वारा या फिर कॉल करने के द्वारा आपको उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा ठीक है एंड दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं आपको इस जॉब के लिए चंडीगढ़ में जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये ये ऑफिस की जॉब है है वर्क फ्रॉम होम नहीं कि घर से काम कर लिया है ना वो काम नहीं है क्योंकि अभी लगभग नाइनटी परसेंट कंपनीज है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बुला लिया ऑफिस में काम करने के लिए तो ये भी उनमें से एक कंपनी है कंपनी का नाम है दोस्तों स्विगी और जो स्विगी में जो सपोर्ट कर रहे हैं वो है टैकमिंद्रा टैकमिंद्रा ने ही निकाली है स्विगी में स्विगी के लिए वैकेंसी ठीक है टैक मिंद्रा एक आप कह सकते हो कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है जो कि बहुत सारी कंपनीज को आउटसोर्स करती है उनमें जो कैंडिडेट्स होते हैं हायर करती है और उस कंपनी के लिए काम करवाती है ठीक है तो दोस्तों अगर आप टेलीकॉम बैकग्राउंड से हो अगर आपने आपकी ग्रेजुएशन ठीक है या फिर आपके पास जो पास एक्सपीरियंस है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो रखा है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी ठीक है सबसे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे प्रेफरेंस का कहां पे लिखा गया है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैंडिडेट्स फ्रॉम टेलीकॉम बैकग्राउंड वुड बी प्रेफरेबल ठीक है यानी कि अगर एक बच्चे ने टेलीकॉम बैकग्राउंड से एजुकेशन की हुई है या फिर एक्सपीरियंस उसके पास है और सामने से जो बंदा है उसके पास भी एक्सपीरियंस है लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री का नहीं है तो आपको लिया जाएगा यानी कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री वाला बच्चा है उसको लिया जाएगा ठीक है, है अब दोस्तों ये रहा अब सैलरी की मैंने आपको बता दी सैलरी कितने रहने वाली है एक लाख से चार लाख के बीच में रहेगी ठीक है जॉब लोकेशन रहने वाली है चंडीगढ़ और जो, जो पोस्ट का नाम है जिस पद पे आप पद पे आप काम करोगे यानी कि पोजीशन पे जो आप काम करोगे उसका नाम है कस्टमर सपोर्ट एजेंट दो तरीके से काम करना है चैट या वॉइस ठीक है तो इसको बोलते हैं वॉइस एंड नॉन वॉइस ठीक है चैट के थ्रू यानी कि जैसे कि हम फोन में टाइप करते हैं बात करते हैं तो वो चैट होता है वॉइस के थ्रू यानी कि हम कॉल पे बात करेंगे कॉल पे कस्टमर्स की क्वेरी को हैंडल करना है तो क्वेरी क्या सिंपल से होने वाली है दिक्कत दिक्कतें कस्टमर की होने वाली है कि यार मैंने खाना मंगवाया था लेट हो गया अभी तक आपका बंदा नहीं पहुंचा है या फिर मैंने खाना मंगवाया था और खाना गंदा निकला उसके बीच में कीड़ा निकला या फिर यह भी हो सकता है कि यार मैंने खाना मंगवाया था और बंदे ने मुझसे मिसबिहीव मिस किया आपके एजेंट ने मिसबिहीव किया तो मैं चाहता हूँ उसके ऊपर एक्शन लो तो इस प्रकार की कुछ क्वेरीज होने वाली हैं जो आपको सॉर्ट आउट करना है बट डोंट वरी आपको इसके लिए इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी इस चीज़ के लिए कैसे आपको हैंडल करना है ठीक है सो गाइज अब उसके बाद में ये बताता हूँ और क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉमेशन यहाँ पे लिखी गई उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ इसकी दोस्तों आप देख रहे हो पर्क में लिख रखा है वन साइड का अभी यानी कि दोस्तों ये ऑफिस की जॉब है तो आप जिस लोकेशन में रहोगे चंडीगढ़ में तो आपको कंपनी अपनी गाड़ी में लेने आएगी ठीक है ऑफिस तक लेकिन आप जब वापस जाओगे दोस्तों तो आपको अपने तरीके से वापस जाना है यानी कि अपने ही साधन से वापस जाना है आपको सिर्फ वन साइड ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी और जो वापस आना आपको है तो वो आपको अपने तरीके से आना है सिक्स डेज वर्किंग है यानी कि दोस्तों हफ्ते में छह दिन काम करना है एक दिन छुट्टी रहेगी छुट्टी किस दिन रहेगी वो डिसाइड करेंगे आपके टीम लीडर टीम मैनेजर या ट्रेनर ठीक है अब दोस्तों मैं बता दूं लोकेशन क्या रहने वाली है इस जॉब की एंड एड्रेस क्या रहेगा कहाँ पे आपको काम करना है तो स्क्रीन पे आप दोस्तों देख रहे हो एड्रेस लिख रखा है प्लॉट नंबर ट्वेंटी थ्री फेस टू राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क किशनगढ़ पिन कोड आई पार्क में दोस्तों ये जॉब है ठीक है एंड और बताऊ दोस्तों अगर आपको और कुछ पूछना है इसके बारे में तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर सेवन जीरो फोर ट्रिपल टू नाइन डबल सिक्स जीरो और ये नंबर भी दे रखा है दोस्तों सारा का सारा डिटेल दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों आपको क्या करना होगा इस जॉब को अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि कैसे आपको अप्लाई करना है तो सिंपली दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैं थोड़ा जूम इन करूंगा अगर इसको ये देखो स्क्रीन पे तो यहां पे दिख रहा है आपको ई मेल ये दिख रही है ईमेल आईडी आपको अपना सीवी यानी कि रेज्यूमे है करिकुलम ऑफ वेटे आपको इनको सेंड करना है सीवी ठीक है सीवी आपको सेंड करना है इस ईमेल एड्रेस पर आपका जो रेज्यूमे होता है जिसमें आपका एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हॉबीज एंड ऑल दैट स्टफ जो उसको मैंशन होता है तो वो आपको सीवी आपको इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है ठीक है टेंशन लेने की कोई बात नहीं सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों उस आपको सेंड करना है उसके बाद आपको इन, इनके एचआर के थ्रू कॉल आएगी या अगर आपको कॉल नहीं आती है तो सिंपली कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं आप इन पे कॉल कर सकते हो ठीक है आप कॉल इन पे कॉल कर सकते हो आप कह सकते हो कि मैंने आपको रिज्यूमे सेंड कर दिया है तो प्लीज गो थ्रू इट रिव्यू करो और मुझे शॉर्टलिस्ट किया जाए बेस्ड अपॉन मेरा जो एक्सपीरियंस है या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो आप कर सकते हो तो दोस्तों ये नंबर दे रखे हैं यानी ये ईमेल एड्रेस दे रखा है आपको ईमेल एड्रेस पर फिर से भी भेजना है उसके बाद आपको कॉल करना है ठीक है उसके बाद अब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको कॉल आएगा एचआर के द्वारा या फिर कोई भी वहां पे जो सपोर्ट एजेंट्स होंगे उनका कॉल आएगा आपको और आपको बुलाया जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ में इंटरव्यू के लिए तो साथ में जब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो आपको अपना सी लेके जाना है साथ साथ आधार कार्ड लेके जाना है ठीक है ये दो चीज आपको लेके जानी है ओके और दोस्तों जब आपको बुलाया जाएगा उसके बाद में आपको वो खुद ही बता देंगे कि आपको क्या करना क्या नहीं करना है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों ये थी वैकेंसी स्विगी की तरफ से जो तो सपोर्ट कर रही है जो कंपनी वो है टैक महिंद्रा टैक महिंद्रा ने वैकेंसी निकाली टैक महिंद्रा की जैसे कि आपको पता है कि बीपीओ है आउटसोर्स करती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती है उनके लिए कैंडिडेट्स uh, को हायर कर देती है तो, दोस्तों ये था वैकेंसी आ रखी है दोस्तों और मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिंकड चैनल को दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हो मेरा लिंक के प्रोफाइल है इस पर आप जाओ मेरे लिंकड प्रोफाइल को आप फॉलो करो मैं आपको फॉलो बैक करता हूँ दोस्तों ठीक है एंड जो बच्चे खासकर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ अपना लिंकड अकाउंट बना लो अगर आपको नहीं पता कि लिंकड अकाउंट कैसे बनाना है तो मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना होता है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है दोस्तों तो आई होप तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इस गाइड वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस आपके लिए बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है यार एक से चार लाख के बीच में सैलरी मिलने वाली और क्या चाहिए आपको तो गाइस चंडीगढ़ के लिए जॉब है सिर्फ जो, जो चंडीगढ़ में जा सकता है काम कर सकता है या चंडीगढ़ के रहने वाले हैं उनके लिए जॉब है बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों मिलेगा कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है कोई लोड नहीं है सो तो प्लीज मेरी बात को माने और बाकी जितना भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको इसको आपने इनके एचआर को आपको ईमेल करनी है ईमेल करने के बाद कॉल करना है कह देना कि मैंने आपको सेंड कर दिया रिव्यू कर लो और मुझे शॉर्टलिस्ट किया जाए ठीक है और गैस ये चीज़ आपको करनी है एंड उसके बाद आपको कॉल आएगा एचआर का एंड उसके बाद इंटरव्यू देना है और जॉब लग जाएगी तो मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन इसको अप्लाई करता है एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैंने अप्लाई कर दिया तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत कीप सपोर्टिंग मी लव यू